बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान के कोइलवर में अवस्थित आज के उद्घाटन समारोह में आप सब जो उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ आए हुए माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित बढ़हरा के माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जगदीशपुर के माननीय विधायक श्री राम बिशुन सिंह जी, संदेश की माननीय विधायक श्रीमती किरण देवी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री राधाचरण सेठ जी, बिहार के माननीय पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रभुराम जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण एवं सम्मानित नेतागण, यहाँ मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री सेंथिल कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री काला मुर्गन डी जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव और पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संस्था निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री दिनेश कुमार जी, अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री कौशल किशोर जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, पुलिस उप महानिदेशक श्री छत्रनील सिंह जी, भोजपुर के जिला पदाधिकारी श्री राजकुमार जी, भोजपुर के पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार सिंह जी, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सबद्ध विज्ञान संस्थान कोइलवर के निदेशक श्री जयेश रंजन जी, बिल एवं मिलिंडा ग्रेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि श्री हेमंत शाह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण एवं कर्मचारीगण, उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित होने वाले सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत खुशी की बात है कि आज मानसिक स्वास्थ्य एवं सबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना औपचारिक रूप से शुरू हो गई। रोगियों के लिए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो 2002 से ही बिहार सरकार ने प्रयास किया कि यहाँ पर हम किसी तरह से शुरू करवा दें मानसिक स्वास्थ्य के इलाज का। तो उसी तरह से सब तरह की बात यहाँ पर शुरू हुई और हमने तो इस स्थल पर आकर के कई बार देखा और लगा कि यही उचित जगह है कि जहाँ पर ये काम हो सकता है। और यहाँ पर जो था टीबी हॉस्पिटल संचालित था, तो इस टीबी हॉस्पिटल जो संचालित था उसको देखने के लिए भी हम पहले आए थे। उसी के चलते ये सारा काम हुआ, लेकिन जो एक हुआ कि नया बिल्डिंग बनना चाहिए और जो ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल जो पहले से यहाँ है कार्यरत था तो गया। और आज बड़ी खुशी है कि उसके उद्घाटन करने का भी मुझको मौका मिला है, आज आने का मौका मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सब कितनी बड़ी चीज है, आप समझ लीजिए। जो कोई भी जन्म लेता है और उसके पास कोई मानसिक समस्या है
और उसके इलाज के लिए लोगों को आना पड़ता है, तो अलग किस्म का इलाज है ना भाई। इस सामान्य अस्पताल से अलग विशेष तौर पर उसका ख्याल रखा जाता है, तभी लोगों को ठीक ढंग से ट्रीटमेंट हो सकता है, इसलिए उसके लिए किया गया। और आज देखने का हमको सब कुछ मौका मिल गया है, और इन लोगों ने बता दिया है कि 272 बेड होगा और अब 180 बेड तो चालू हो गया है, मुझे खुशी है। और इसके लिए तो ये सब काम उन लोगों के माध्यम से किया जाएगा, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये सब चीज जो हमने आज देखा कि जो भाई इतना अच्छा जो सब कुछ उनको बनाते हुए हमने देखा, तो हमने कह दिया आपको सब कुछ कि आप समझिए कि यहां पर जो कुछ भी बनेगा, वो जी ने भी सारी बात कर दिया कि एक एक चीज जो हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए जितने लोगों के बहाली की जरूरत है, चाहे वो सिर्फ डॉक्टर हो और दूसरे लोग हों, सब लोगों को अधिक से अधिक पूरी बहाली करके और हम लोग खूब अच्छे ढंग से और अच्छा जितना ज़्यादा भी उसका एक्सपेंशन करना है, तो आप तो सब जान ही रहे ना, हम लोग कर रहे हैं एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए सभी अस्पतालों में इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। आप सबको मालूम है कि कितना ज़्यादा हो रहा है, पूरे सब जगह पर आप जानते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम लोगों ने यह तय कर दिया है कि 6 बेड की जगह पर 30 बेड होना चाहिए, तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी उसके लिए भी काम तेजी से ही लोग कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि और तेजी से काम हो जाए, ताकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी लोग तेजी से इस काम इलाज करा सकते हैं। तो पूरे 434 PHC में काम करना है और लगभग 261 का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और 15 पर निर्माण कार्य जारी है और 117 निविदा प्रक्रिया में है, शेष 41 को शीघ्र ही स्वीकृति दी जाएगी। तो ये करके हम लोग एक एक काम जो करना चाहते हैं, और बड़े बड़े अस्पतालों में कितना काम हो रहा है आप सबको तो मालूम ही है, पहले तो कहाँ मिलता था, देश के किसी राज्य में मिलता उलता नहीं था, लोग आते थे इलाज के लिए अस्पताल में, उनको ट्रीटमेंट के लिए दवाई नहीं मिलती थी, हम लोगों ने दवा देने का काम शुरू किया। और अभी से हम यही आग्रह करते हैं कि भाई इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दवा का इंतजाम तो सरकार करना चाहती है, लेकिन दवा जो है वो निश्चित रूप से अस्पतालों में रहना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम पहले भी कभी गए तो हम पूछे हैं तो दवा का तो इंतजाम है, लेकिन लोगों को बाहर से दवा लाना पड़ता है, तो जरा ध्यान रखिए पूरे तौर पर। आप तो उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, सब जगह देखने लगे हैं, इस बात को भी देखिएगा कि कोई आदमी को बाहर से दवाई लाना पड़ रहा है कि हम लोग जो दवाई का इन्हें बनवा देंगे, ताकि सब तरह से हो, तो इसके लिए भी आगे सोचिए। उन सब बात का मिलता है 150 करोड़ से लेकर के 180 करोड़ तक ना, हम लोगों को तो जमीनवा खरीदना ही पड़ता है, उसके लिए अस्पतालवा में 350 करोड़ से भी ज्यादा लगता है राज्य सरकार का है? कहा जाएगा कि ये केंद्र सरकार का अस्पताल, तो क्या जरूरत है केंद्र सरकार का अस्पताल, राज्य जब 1000 करोड़ तक, 800 करोड़, 700 करोड़ रुपया तक, क्या जरूरत है 150 करोड़ और 180 करोड़ तक के लिए। तो इसलिए पूरा करिए और हर जगह के लिए कोशिश करिए, ताकि जहां कहीं भी आवश्यकता है वहां पर इस सब काम को करवा करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा अस्पताल भी बनवाएंगे, ताकि किसी के लिए एक एक चीज का, नर्सिंग के लिए भी हम लोग बनवा रहे हैं हर जगह, तो उस तरह से सबको पढ़ने का मौका मिलेगा और पढ़ने के बाद लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। जब इतने लोगों को पढ़वा रहे हैं तो फिर जब अस्पताल बनवा दीजिएगा सब जगह, तो सब जगह डॉक्टर लोग इस काम तो कर सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को अवसर मिले। और हम लोग तो बाकी सब काम के लिए करते ही रहते हैं किसी भी चीज में काम, और एक एक चीज एक ही बात का ख्याल रखना है कि हम लोगों को हर हालत में मेंटेनेंस का काम करना है, और इसको लेकर के जो हम लोगों ने पहले से जो काम किया है और 7-2 में भी जो काम तय किया है, उसके अंतर्गत जितना भी काम है उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा और तेजी से हर किन्हीं का ट्रीटमेंट हो और खूब अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट हो, इसके लिए हम लोगों को पूरा तौर पर प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस अवसर पर आप लोगों ने मौका दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज इसका हो गया और अब कितना बढ़िया ढंग से लोग का ट्रीटमेंट यहाँ पर, चीजों को ठीक ढंग से प्रसारित करिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे।